मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं एक मिनी ट्रक ड्राइवर को जिसके ट्रक से एक हिरण का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि इतना बुरा एक्सीडेंट होने के बावजूद वो हिरण मरता नहीं है, वो खड़ा हो जाता है और उसकी आंखों का रंग बदल जाता है और अब वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। दरअसल ये हिरण यहाँ फैले ज़ॉम्बी वायरस की वजह से ज़ॉम्बी बन चुका था। इसके बाद हम लोग देखते हैं इस आदमी को जिसका नाम है शेओक वू। ये कंपनी में फंड मैनेजर है और ये काम में कुछ ज्यादा ही बिजी रहता है जिसकी वजह से इसका डाइवोर्स भी हो चुका है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो अपनी पत्नी से अपनी बच्ची की कस्टडी के लिए लड़ाई कर रहा था। शेओक वू की बेटी का नाम सुआन है और आज उसका बर्थडे है, इसलिए शेओक वू उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेके जाता है। लेकिन सुआन जब उस गिफ्ट को खोलती है तो वो उस गिफ्ट को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि उसके पिता ने जो गिफ्ट अब की बार दिया है वैसा ही गिफ्ट उन्होंने पिछली बार भी दिया था। शेओक वू अपने काम में इतना ज्यादा बिजी रहता है कि उसे इस बात का ध्यान ही नहीं था कि वो अपनी बेटी को वही गिफ्ट दोबारा से दे रहा है, इसलिए वो काफी शर्मिंदा भी होता है और इसे इस बात का एहसास भी था। सुआन अपने डैडी से कहती है कि मुझे मोम से मिलना है। आज सुआन का बर्थडे था इसलिए शेओक वू उसकी माँ के पास जाने के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं एक रेलवे स्टेशन का जहाँ पे एक ट्रेन बुसान जाने के लिए लगी होती है। शेओक वो अपनी बेटी के साथ इसी ट्रेन में बैठता है। इस ट्रेन में काफी लोग थे जिसमें एक बेसबॉल टीम के कई सारे प्लेयर्स भी थे और इसी टीम में एक योंग गुक नाम का लड़का रहता है जिसकी एक गर्लफ्रेंड होती है जो इनकी टीम की चेयर लीडर है और इसका नाम है किम जिन ही। इसके अलावा इस ट्रेन में दो बूढ़ी बहनें भी रहती हैं और एक गरीब होमलेस आदमी भी इसी ट्रेन में रहता है। ये आदमी थोड़ा सनकी सा था। जब इस आदमी से टिकट के बारे में पूछा जाता है तो ये कहता है कि सभी लोग मरने वाले हैं। वहीं इसके अलावा एक और कपल रहता है। ये आदमी एक नॉर्मल आम इंसान की तरह वर्किंग मैन है और इसका नाम है सेंग हुआ। इसके साथ इसकी प्रेग्नेंट बीवी है जिसका नाम है सियोंग कायोंग। जब ट्रेन चलने वाली होती है तभी उस ट्रेन में एक ऐसी लड़की घुसती है जिसके पैर पर किसी ने काटा था। तभी थोड़ी देर में वो लड़की नीचे गिर जाती है। उसे गिरा हुआ देखकर वहाँ की एक अटेंडेंट वहाँ पर आती है और उसकी ये हालत देखकर वो मेडिकल टीम को बुलाती है। दूसरी तरफ शेओक वू के पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और वो बताता है कि पूरे शहर में दंगे हो रहे हैं। जब वो लोग ट्रेन में न्यूज देखते हैं तो न्यूज में पता चलता है कि पूरे शहर में भगदड़ मच चुकी है। लेकिन यहाँ सभी लोगों को ये नहीं मालूम था कि पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है और लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। जब ही शेओक वो ध्यान देता है कि उसकी बेटी तो यहाँ पे है ही नहीं, तो वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए चल देता है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की जिसके पैर पर किसी ने काटा था अब वो ज़ॉम्बी बन चुकी है और वो उस अटेंडेंट को भी काट लेती है। और तो और वो लड़की बेसबॉल टीम के कुछ प्लेयर्स को भी काट लेती है। इसके अलावा वो अटेंडेंट भी अब ज़ॉम्बी बन जाती है और अब ये सभी लोग बाकी लोगों को काटते जाते हैं। पूरी ट्रेन में एकदम से भगदड़ मच जाती है। लगभग पूरी बेसबॉल टीम ज़ॉम्बी में बदल जाती है। जो भी सामने आता है उसे ज़ॉम्बी काट लेते हैं और वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है। बचे कुचे लोग एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में भाग रहे थे। वहीं दूसरी तरफ शेओक वू अपनी बेटी को अभी भी ढूंढ रहा था। वो अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते एक ऐसे कंपाउंड में पहुंच जाता है जहां के सभी लोग ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं और जैसे ही ज़ॉम्बी शेओक वू को देखते हैं वो इसके पीछे दौड़ने लग जाते हैं। जब ही पीछे से सुवान अपने पिता को बुलाती है, शेओक वू अपनी बेटी सुवान को लेकर भागने लग जाता है और उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं। शेओक वू किसी तरह अपनी बेटी को लेकर एक ऐसे कंपाउंड में पहुंचता है जहां के सभी लोग अभी सही सलामत है। वो वहां पहुंचकर जल्दी से गेट बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ सेंग हुआ अपनी प्रेग्नेंट बीवी को लेकर किसी तरह ज़ॉम्बी से बचते बचाते उसी कंपाउंड के पास पहुंच जाता है। लेकिन कंपाउंड का गेट तो शेओक वू ने बंद कर रखा था। सेंग हुआ शेओक वू से गेट खोलने को कहता है। शेओक वू थोड़ी देर तक सोचता है कि गेट खोलूं या ना खोलूं। लेकिन जैसे ही ज़ॉम्बी सेंग हुआ के पास आते हैं उससे पहले शेओक वू गेट खोलकर सेंग हुआ और उसकी बीवी को अंदर कर लेता है और गेट बंद कर देता है। इसके बाद सेंग हुआ शेओक वू के ऊपर थोड़ा नाराज होता है क्योंकि अगर उसने गेट खोलने में थोड़ी सी भी देरी करी होती तो शायद सेंग हुआ और उसकी प्रेग्नेंट बीवी भी ज़ॉम्बी बन जाते। जब ही थोड़ी देर में ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन अगले स्टेशन पर नहीं रुकेगी, लेकिन योंग सुक नाम का एक आदमी कैप्टन से बोलता है कि हमें अगले स्टेशन पर रुकना चाहिए वरना हम सब मारे जाएंगे। लेकिन ट्रेन के कैप्टन को अगले स्टेशन पर रुकने के ऑर्डर्स नहीं थे। थोड़ी देर में अगले स्टेशन से जब ट्रेन होकर गुजरती है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कई सारे लोग ट्रेन में चढ़ने के लिए ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी लोगों के ऊपर ज़ॉम्बी अटैक हो चुका था और वहाँ जितने भी बचे कुचे लोग थे ज़ॉम्बी उनको चुन चुन कर उनको इन्फेक्टेड कर रहे थे। अब लगभग पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। इस स्टेशन के बाद ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि ये ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकेगी क्योंकि वहां पर बचे कुचे पैसेंजर की सेफ्टी के लिए मिलिट्री को बुलाया जा चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शेओक वू एक कंपनी में फंड मैनेजर है तो शेओक वू की पहुंच थोड़ी ऊपर तक है, इसलिए वो इस बात को कंफर्म करने के लिए अपने सीनियर से फोन पे बात करता है और उनसे पूछता है कि क्या अगले स्टेशन पर उतरना सेफ रहेगा। उसका सीनियर शेओक वू से कहता है कि अगले स्टेशन पर जो भी उतरेगा उसे आर्मी वाले क्वारंटाइन करेंगे। लेकिन शेओक वू अपनी बेटी के साथ कहीं क्वारंटाइन नहीं होना चाहता था, इसीलिए वो अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करता है कि कोई और रास्ता नहीं है। उसका सीनियर कहता है कि तुम मेन गेट से मत उतरना, तुम ईस्ट वाले गेट से उतरना, मेरे आर्मी तुम्हें वहीं से पिक कर लेंगे। इसके बाद ट्रेन थोड़ी देर में अगले स्टेशन पर पहुंच जाती है और वहां रुकती है।
ये स्टेशन पूरी तरह से खाली था, यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा था, ना ही मिलिट्री वाले, ना ही और कोई। बचे कुचे लोग ट्रेन से उतरते हैं और प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि योंग सुक कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, यहाँ पर बहुत खतरा है। हालांकि कैप्टन को भी उसकी बात सही लगती है, क्योंकि यहाँ पर मिलिट्री वाले तो छोड़ो बल्कि कोई भी नहीं दिख रहा था। वहीं दूसरी तरफ सभी पैसेंजर मेन गेट की तरफ जा रहे थे, लेकिन शेयोग वो अपनी बेटी के साथ सबसे अलग ईस्ट की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो होमलेस आदमी भी इनके पीछे पीछे आता है, क्योंकि इस होमलेस आदमी ने शेयोग वो की बात सुन ली थी। सुवान अपने पापा से कहती है कि हमें बाकी लोगों को भी अपने साथ लेके चलना चाहिए, लेकिन शेयोग वो कहता है कि नहीं बेटा, इस वक्त हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। सुवान रोते हुए अपने पापा से कहती है कि आपकी इसी वजह से मम्मी भी हमें छोड़ के चली गई, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। दूसरी तरफ सभी पैसेंजर मेन गेट की तरफ बढ़ रहे थे कि वहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी मिलिट्री के लोग थे वो अब जोम्बी में बदल चुके हैं। इतने सारे जोम्बी को देखकर लोगों में भगदड़ मच जाती है, कुछ लोगों को जोम्बी इन्फेक्टेड कर देते हैं और कुछ लोग उनसे अपनी जान को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। वहीं शेयोग वो चलाकी में था, लेकिन ईस्ट गेट पर उसका कोई भी आदमी उसे लेने नहीं आता, बल्कि वहाँ भी मिलिट्री वाले होते हैं और वो भी जोम्बी में बदल चुके होते हैं। शेयोग वो तेजी से भागकर अपनी बेटी के पास जाता है कि जब भी उसकी बेटी के पीछे भी एक जोम्बी आ जाता है, और जैसे ही वो शुवान को इन्फेक्टेड करने वाला था कि जब भी वहाँ पर शेंगहुआ आता है और उस जोम्बी से शुवान को बचा लेता है। इसके बाद बचे कुचे लोग प्लेटफॉर्म से बाहर आ जाते हैं और प्लेटफॉर्म का गेट बंद कर देते हैं ताकि जोम्बी बाहर ना आ पाए, लेकिन कांच का गेट कब तक जोम्बी को रोक सकता था। सभी लोग भाग कर वापस ट्रेन में घुसने जाते हैं कि जब भी कुछ लोग गलत गेट खोल देते हैं और ट्रेन के अंदर से भी बहुत सारे जोम्बी बाहर निकल जाते हैं। अब लोग आगे आगे और उनके पीछे पीछे जोम्बी भाग रहे थे। किसी तरह लोग बचते बचाते एक सेफ कंपाउंड में पहुंचते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो दो बूढ़ी बहनें थी, उन दोनों की जान जोम्बी से बचाने के लिए एक बहन को ट्रेन अटेंडेंट दूसरे कंपाउंड में ले जाती है और उनमें से एक को वो प्रेग्नेंट औरत सुवान के साथ एक दूसरे कंपाउंड में लेकर चढ़ जाती है। जब भी उसी कंपाउंड में वो होमलेस आदमी भी चढ़ जाता है, लेकिन ये लोग जिस कंपाउंड में चढ़ते हैं उस कंपाउंड में बहुत सारे जोम्बी थे और जोम्बी से बचने के लिए ये लोग टॉयलेट में छुप जाते हैं। दूसरी तरफ योंग सुक ट्रेन अटेंडेंट को पकड़ के बोलता है कि भाई किसका वेट कर रहे हो, चलो जल्दी वरना हम लोग मर जाएंगे। लेकिन जिन ही उनसे बोलती है कि अभी मेरे दोस्त प्लेटफॉर्म पर ही हैं, उनको आने दो तब हम चलेंगे। लेकिन योंग सुक बहुत ही मतलबी था, वो ट्रेन अटेंडेंट से लड़के ट्रेन चालू करवा लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सैंग हुआ बाकी लोगों के साथ मिलकर उस कांच के गेट को पकड़ के रखे हुआ था ताकि ज़ोंबी बाहर ना सके। जैसे ही वो कांच का गेट टूटने वाला था वो लोग गेट छोड़ के भागने लग जाते हैं, लेकिन भागते भागते योंग सुक के दोनों दोस्तों को ज़ोंबी इन्फेक्टेड कर देते हैं। शेंग हुआ और शेयोग उसे संभालते हैं और उसके साथ ट्रेन की तरफ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ट्रेन चल चुकी थी और इन तीनों के पीछे बहुत सारे ज़ोंबी भी पड़ चुके हैं। अपनी जान बचाने के लिए ये लोग किसी तरह एक खाली कंपाउंड में चढ़ जाते हैं। ट्रेन में चढ़कर योंग गुक अपने दोस्त जिन्ही के पास कॉल करता है और उसे कहता है कि हमारे सभी दोस्त मर चुके हैं और हम कुछ बचे हुए लोग एक कंपाउंड में हैं, हम तुम्हारे कंपाउंड में आने वाले हैं। इसके बाद शेंग हुआ भी अपनी बीवी के पास फोन करता है, लेकिन उसका फोन शुवान उठाती है। शुवान उससे बताती है कि वो लोग जिस कंपाउंड में चढ़े थे उसमें ज़ोंबी है और उनसे बचने के लिए वो लोग एक टॉयलेट में छुपे हुए हैं, और वो उन्हें बताती है कि वो कंपाउंड नंबर 13 में है। लेकिन शेंग हुआ और ये सब लोग कंपाउंड नंबर 9 में है। अब इन्हें उन तक पहुंचने के लिए 9 से 13 कंपाउंड के बीच के डब्बों को पार करके उन तक पहुंचना होगा, इसलिए ये लोग ज़ोंबी से लड़ने की पूरी तैयारी करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहले कंपाउंड में तो ये लोग बड़े जोश से लड़ते हैं और सभी ज़ोंबियों को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। अगले कंपाउंड में जब ये लोग पहुंचते हैं तो वहां पे देखते हैं कि यहां पे तो बेसबॉल की पूरी टीम ज़ोंबी बन चुकी है। योंगुक अपने दोस्तों को ज़ोंबी बना हुआ देखकर एकदम शॉक हो जाता है, लेकिन शेंग हुआ और शेयोग वो उनसे लड़ने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि जब भी एक टनल आ जाती है और टनल की वजह से ट्रेन में अंधेरा हो जाता है। यहाँ पर ये लोग नोटिस करते हैं कि ज़ोंबी अंधेरे में इन्हें देख नहीं पा रहे हैं, तो ये लोग अंधेरे का फायदा उठाकर ज़ोंबी से चुपचाप बिना लड़े उनसे बचकर ये वाला भी कंपाउंड पार कर लेते हैं। इसके बाद अगले कंपाउंड को पार करने के लिए शेयोग वो प्लान बनाता है। वो शेंगहुआ का फोन लेता है और ज़ोंबियों के बीच में फेंक देता है और अपने फोन से उस फोन पर कॉल करता है, और जैसे ही फोन की रिंगटोन बजती है सभी ज़ोंबी उस फोन के पास आ जाते हैं, और अगली टनल आते ही जैसे अंधेरा होता है वो लोग अंधेरे का फायदा उठाकर साइड से चुपचाप निकल जाते हैं। अब शेयोग वो अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होता है और शेंगहुआ अपनी बीवी से मिलकर भी खुश होता है, लेकिन ये लोग बाकी लोगों के पास जाते उससे पहले टनल खत्म हो जाती है और ज़ोंबी इन्हें देखने ही वाले होते हैं कि ये लोग भी टॉयलेट में छुप जाते हैं। इसके बाद ये लोग प्लान बनाते हैं कि अगली टनल 3 मिनट के बाद आएगी और अगली टनल आते ही हमें अंधेरे का फायदा उठाकर ये वाला कंपाउंड पार करना होगा। इसके बाद योंगुक अपनी दोस्त के पास फोन करता है और उसे कहता है कि हम लोग आने वाले हैं, तुम लोग कंपाउंड का गेट खोल के रखना।
जिन्ही बहुत खुश होती है। वो सभी लोगों से कहती है कि मेरे दोस्त आ रहे हैं, हमें उनके लिए गेट खोलना है। लेकिन योंग सुक गेट खोलने से मना कर देता है। वो कहता है कि क्या गारंटी कि वो लोग अब तक इन्फेक्टेड नहीं हुए, अगर वो लोग इन्फेक्टेड होते हैं तो वो लोग हमें भी इन्फेक्टेड कर देंगे, इसलिए हमें गेट नहीं खोलना चाहिए। बाकी लोग भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और गेट खोलने से मना कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही टनल आती है और अंधेरा होता है, ये लोग अंधेरे का फायदा उठाकर वो कंपाउंड पार कर रहे होते हैं। लेकिन जब तक ये सभी लोग कंपाउंड पार करते, जब तक टनल खत्म हो जाती है और ज़ॉम्बी भाग के इनकी तरफ आते हैं। दूसरी तरफ योंग सुक दूसरे कंपाउंड का गेट खुलवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर योंग सुक की वजह से कोई भी गेट खोलने को राजी नहीं था। एक तरफ शेयोक वू और शेंग हुआ ज़ॉम्बी को रोक के रखे हुए हैं, तो दूसरी तरफ योंग सुक गेट खोलने की कोशिश कर रहा है। वहीं वो बूढ़ी औरत और वो प्रेग्नेंट औरत उस बच्ची के साथ एक जगह सहमे खड़े हैं। लेकिन दूसरे कंपाउंड में किसी भी इंसान को दया नहीं आती, वो लोग गेट नहीं खोलते हैं। लेकिन योंग सुक किसी तरह उस गेट को खोल के उस कंपाउंड में घुस जाता है और बाकी लोग भी उस कंपाउंड में चले जाते हैं। लेकिन उन सभी की जान बचाने के लिए शेंग हुआ अपनी जान की परवाह नहीं करता और वो उन ज़ॉम्बी को रोके रखने के लिए वहीं पर रुक जाता है और शेयोक वू से कहता है कि मेरी बीवी का ख्याल रखना। इसके बाद शेयोक वू उसकी बीवी को लेकर और अपनी बच्ची को लेकर उस कंपाउंड से चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी ज़ॉम्बी गेट तोड़कर शेंग हुआ को भी मार डालते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ शेंग हुआ ही नहीं मरा था, बल्कि यहाँ पर उस बूढ़ी औरत को भी ज़ॉम्बी मार डालते हैं। दूसरे कंपाउंड में पहुंचकर शेयोक वू योंग सुक के ऊपर काफी गुस्सा करता है। शेयोक वू उससे कहता है कि अगर तुमने गेट सही समय पर खोल दिया होता तो आज वो बूढ़ी औरत और शेंग हुआ जिंदा होते। लेकिन योंग सुक को इससे क्या फर्क पड़ता था, वो तो उल्टा लोगों को भड़काता है कि ये लोग तो ज़ॉम्बी के पास से आए हैं, ये इन्फेक्टेड हो सकते हैं, इसलिए ये हमारे साथ नहीं रह सकते, इन्हें किसी और कंपाउंड में चले जाना चाहिए। बाकी लोग भी यही कहते हैं कि हाँ, इन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। वहीं वो बूढ़ी औरत अपनी बहन को ज़ॉम्बी बना हुआ देखकर काफी सदमे में थी। इसके बाद शेयोक वो भी गुस्से में आकर उन सभी के साथ दूसरे कंपाउंड में चला जाता है और इनके साथ जिन्ही भी चली जाती है। इन सभी के जाने के बाद ये लोग उस कंपाउंड का गेट अच्छे से बंद कर देते हैं ताकि वो लोग यहाँ पर ना आ सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस बूढ़ी औरत की बहन कंपाउंड के गेट को खोल देती है, क्योंकि उसकी बहन के ज़ॉम्बी बनने के कारण यही लोग थे। गेट खुलते ही सभी ज़ॉम्बी उस कंपाउंड में घुस जाते हैं और सभी को इन्फेक्टेड कर देते हैं। सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं। अब ये सभी लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। वही दूसरी तरफ ये लोग बच जाते हैं। शेयोक वो अपनी बेटी से कहता है कि बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हारी मामा से जरूर मिलवाऊंगा। जब ही ट्रेन एक स्टेशन पर जाकर रुक जाती है, क्योंकि ट्रैक पर दो ट्रेनें आपस में लड़ी हुई थी जिसकी वजह से रास्ता बंद था। अब उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक दूसरी ट्रेन बदलनी थी। वहीं हम देखते हैं कि योंग सुक एक अटेंडेंट के साथ एक टॉयलेट में छुपा हुआ है। योंग सुक अपनी जान बचाने के लिए अटेंडेंट को ज़ॉम्बियों के बीच फेंक देता है और खुद वहां से भाग जाता है। दूसरी ट्रेन तक जाने के लिए योंग सुक और जिन्ही एक ट्रेन के बीच में से होकर जाते हैं। जब ही यहाँ पर योंग सुक आ जाता है और जिन्ही को ज़ॉम्बियों के बीच में फेंक देता है और खुद वहां से भाग जाता है। अब जिन्ही भी इन्फेक्टेड होने की वजह से ज़ॉम्बी बन जाती है। योंग सुक जिन्ही से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो जिन्ही को छोड़कर नहीं जाता। जिन्ही उसे काट लेती है और अब योंग सुक भी इन्फेक्टेड हो जाता है। जब ही हम लोग देखते हैं कि सामने से एक जलती हुई ट्रेन आती है और वो एक ट्रेन से टकरा जाती है, जिसकी वजह से शेयोक वू और वो प्रेग्नेंट औरत एक ज़ॉम्बी से भरी हुई ट्रेन के नीचे फंस जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कैप्टन एक ट्रेन के पास पहुंच गया है। कैप्टन ट्रेन से उतर कर योंग सुक की मदद करने के लिए जाता है, लेकिन योंग सुक तो इतना मतलबी था, वो कैप्टन को भी ज़ॉम्बी को बीच में ढकेल देता है। वहीं दूसरी तरफ शेयोक वू किसी तरह उस ट्रेन के नीचे से निकलने की कोशिश कर रहा था कि जब उन सभी को ज़ॉम्बी से बचाने के लिए वो होमलेस आदमी ज़ॉम्बियों को एक तरफ रोक के रखता है, और यहाँ पर शेयोक वू उस प्रेग्नेंट औरत के साथ और बच्ची के साथ बाहर निकल जाता है। लेकिन वो होमलेस आदमी उन सभी की जान बचाने के लिए वहीं पर रह जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि शेयोक वू और वो प्रेग्नेंट औरत सुवान के साथ एक चलती हुई ट्रेन के पीछे दौड़ रहे हैं और उन सभी के पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी दौड़ रहे हैं। इतने सारे ज़ॉम्बी इनका पीछा करते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग हिम्मत नहीं हारते और किसी तरह ये लोग ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। लेकिन ज़ॉम्बी भी हिम्मत नहीं हारते, वो लोग भी ट्रेन पर लटक जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रेन की स्पीड काफी धीरे हो जाती है। शेयोक वू किसी तरह से ज़ॉम्बियों की पकड़ से ट्रेन को छुड़ा देता है। लेकिन जब शेयोक वू आगे इंजन की तरफ कैप्टन के रूम में जाता है, तो वो देखता है कि कैप्टन के रूम में योंग सुक रहता है और वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। लेकिन योंग सुक अभी पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं बना है। जब योंग सुक अचानक से शेयोक वू के ऊपर हमला कर देता है। शेयोक वू योंग सुक से अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन योंग सुक शेयोक वू के हाथ पर काट लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शेयोक वू अपने आप को जंजीर में बांध लेता है और योंग सुक को लेकर ट्रेन से नीचे कूद जाता है। योंग सुक तो नीचे गिर जाता है, लेकिन जंजीर से बंधे होने के कारण शेयोक वू बच जाता है।
शेयोग वू को पता था कि अब वो भी इन्फेक्टेड हो गया है। वो फटाफट उस प्रेग्नेंट औरत को और अपनी बेटी सुआन को कैप्टन के रूम में ले जाता है और उन्हें ट्रेन के बारे में कुछ बेसिक सी बातें बताता है। शेयोग वू अपनी बेटी से कहता है कि तुम बुसान उतरने के बाद अपनी माँ के पास चली जाना और जब तक तुम बुसान ना पहुँच जाओ इन आंटी के साथ ही रहना। सुआन बहुत रो रही होती है, वो अपने पिता से अलग नहीं होना चाहती थी। शेयोग वू भी अपनी बेटी से अलग नहीं होना चाहता था लेकिन अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ रहा था। शेयोग वू उस रूम से बाहर आ जाता है और खूब रोता है और रोते रोते अपनी बेटी के बारे में सोचता है। वो अपनी बेटी के साथ बिताए लम्हों को याद करता है और उन्हीं यादों को अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में अपनी आंखों में सजोए शेयोग वू हंसते हंसते उस ट्रेन से कूद जाता है। दूसरी तरफ सुआन बहुत रो रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो ट्रेन बुसान स्टेशन पहुंच जाती है। यहाँ पर ये दोनों ट्रेन से उतरते हैं और एक टनल से होकर आगे जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री वाले बैठे हुए थे। मिलिट्री वाले जब इन्हें देखते हैं तो वो समझ नहीं पाते कि ये एक नॉर्मल इंसान है या कोई इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी है, इसलिए वो लोग तय करते हैं कि इन्हें गोली से उड़ा दिया जाए। जैसे ही वो लोग गोली चलाने वाले थे कि जब ही सुवेन वही पोयम गाती है जो वो अपने पिता को सुनाने वाली थी, मिलिट्री वाले ये समझ जाते हैं कि ये लोग नॉर्मल इंसान है और वो लोग इन दोनों को रेस्क्यू कर लेते हैं। दोस्तों ये मूवी कई सारे इमोशनल सीन से भरी हुई है। आप मेरे को कमेंट में बताना कि आपको सबसे प्यारा सीन कौन सा लगा और ऐसे ही मूवी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस मूवी का ये सेकंड पार्ट देखो।